हेलो फ्रेंड्स, मैं आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप यहां पे इस तरह के 26 जनवरी पे स्पेशल VFX वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पे 26 जनवरी आने वाला है, जिसके कारण यहां पे टिकटॉक पे जितने भी रिपब्लिक डे से रिलेटेड वीडियो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। तो आपको भी यहां पे इस तरह के वीडियो बनाना चाहिए। तो अगर आप भी यहां पे ऐसे वीडियो बनाना चाहते थे तो मैं आज आपको यहां पे इस तरह के वीडियो बनाना सिखाने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखें शुरू से लेकर लास्ट तक। बस आप यहाँ पे थोड़ा सा कुछ एक्टिंग करके आप यहाँ पे इस तरीके के वीडियो को बना सकते हैं और कुछ स्पेशल वीडियो को बना करके यहाँ पे 26 जनवरी के मौके पे टिकटॉक पे अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और यहाँ आजकल टिकटॉक पे 26 जनवरी से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा उन सभी पर लाइक्स मिल रहा है। तो आपको भी यहाँ पे इस तरह के वीडियो को जरूर बनाना चाहिए जो 26 जनवरी से रिलेटेड हो। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, देखते हैं कि हम यहाँ पे इस तरीके की वीडियो कैसे बना सकते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट कर ले, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो डालते हैं वो आपको एकदम टाइम पर मिल जाएगा और आप सबसे पहले टिकटॉक पर इस तरह की वीडियो को बना करके अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने काइंड मास्टर एप्लीकेशन में और देखते हैं कि हमें यहाँ पर इस तरीके की वीडियो को कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने काइंड मास्टर को ओपन करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे इस प्लस के आइकन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको तीन रेशियो मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे व्यू वाला रेशियो को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जितना भी एडिटिंग करना था मैंने सब कुछ करके दिया है। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे वीडियो को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको मीडिया पे क्लिक करना होगा और मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको एक वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको उस वीडियो को यहाँ पर लेकर के आ जाना है डाउनलोड करने के बाद। तो हम यहाँ पे इस वीडियो को ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और इसके बाद यहाँ से हम इस वीडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यह मेन वीडियो है जिसकी मदद से आप यहाँ पे इस तरीके के वीडियो को बना सकते हैं। तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत किया और इसको मैंने बना करके आप सभी के लिए यहाँ पर दे दिया है। तो आपको यहाँ पर इसको यूज कर लेना है और वीडियो को लाइक भी कर दें। और इस तरह से यहाँ पे आपको इसको लेकर के आ जाना है और इसके बाद आप यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करके देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का वीडियो मैंने यहाँ पे बनाया था। बहुत सारे मतलब इंडियन फ्लैग और फिर चाइना या फिर श्रीलंका, पाकिस्तान, अमेरिका, इस सब का फ्लैग मैंने डाउनलोड किया था और उसको यहाँ पर एडिट करके मैंने बनाया है। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि अब यहाँ पर इसको स्टार्टिंग में लेकर के आ जाना है। और उसके बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि लेयर पर क्लिक करके मीडिया में जाना है। और मीडिया में जाने के बाद आपको एक वीडियो को शूट करना होगा। तो आपको एक कहीं पे ऐसे जगह पे फ़ोन को रख करके वीडियो को शूट करना है जहाँ पे आपका स्काई एकदम क्लियर दिख रहा हो। तो हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं जिस वीडियो को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो आपको भी इसी तरह से एक अच्छा सा वीडियो आपको यहाँ पे शूट कर लेना है अपने मोबाइल के कैमरे से, फ्रंट कैमरे से या बैक कैमरे से, आप कहीं से भी शूट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर उसको अच्छे से सेलेक्ट कर लेना है ढूंढने के बाद। तो हम यहाँ पर इसको ले लेते हैं और यहाँ ओके पर आपको क्लिक करना है। और इतना करने के बाद आपको यहाँ पे कैचे के सामने एक ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है और इसको यहाँ पे फुल स्क्रीन में करके ऊपर राइट में आपको यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पर क्लिक करके फिर से आपको यहाँ पे वॉल्यूम पर जाना है और जो आपके वीडियो में एक्सटर्नल वॉल्यूम होगा, साउंड होगा, उसको आपको यहाँ से इसको म्यूट करके ऊपर राइट पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद अब आप मतलब क्या करना है कि वीडियो को स्टार्ट करके देख लेना है। तो हम यहाँ पर आपको वीडियो को स्टार्ट करके दिखा देते हैं कि हमने मतलब किस तरह से यहाँ पर किया था। तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे एक्टिंग करना है, इस तरह से आपको स्काई की तरफ देखते हुए और फ़ोन को आपको इस तरह से रखना है कि आपका स्काई अच्छे से फ़ोन के मतलब वीडियो के अंदर कैप्चर हो। और इस तरह से करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि स्काई का मतलब जो कलर है उसको आपको यहाँ पे रिमूव करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको अपने वीडियो पर क्लिक करना होगा, आपको इस वीडियो पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। तो आपको यहीं पर नीचे में एक क्रोमा की का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसको इनेबल कर देना है। और यहाँ पे एक की कलर का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, तो आपको यहाँ पे की कलर में जाना है और आपका जो स्काई का कलर है ठीक उसी तरह का मतलब मिलता जुलता कलर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पे इस सर्कल पे क्लिक करके भी आप अपने अकॉर्डिंग कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं और ऊपर राइट पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखता है, तो आपको क्या करना है कि इस दोनों को थोड़ा थोड़ा आपको बढ़ा देना है। तो हम यहाँ पर इसको बढ़ा दिए हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मतलब उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, एकदम फ्लैग मतलब स्काई की तरह मतलब स्काई में मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पे आपको एक नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा मतलब 55% वाला, तो आपको इसको भी थोड़ा सा बढ़ा कर देना है, मतलब बढ़ा देना है इसको। तो आप देख सकते हैं हमने इसको थोड़ा सा मतलब बढ़ा दिया, तो इस तरह से हमारा स्काई एकदम मतलब रिमूव हो चुका है और यहाँ पर फ्लैग वगैरह दिख रहा है। तो अब यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट करके दिखा देते हैं आपको। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा वीडियो अब बन करके रेडी हो चुका है।
तो बस इतना ही करना है आपको, और आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से ऐसे वीडियो बना सकते हैं। और वीडियो 100% है कि टिकटॉक पे वायरल होने वाला है, क्योंकि इंडियन फ्लैग से रिलेटेड जितना वीडियो होता है, चाहे रिपब्लिक डे हो या ना हो, यहाँ पे 100% वायरल होता है। क्योंकि यहाँ पे इस तरह से जितने भी आप वीडियो बनाते हैं, सभी वीडियो आपको मतलब लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो लोग यहाँ पे लाइक करते हैं। क्योंकि यहाँ पे देश से रिलेटेड वीडियो होता है, तो आपको इस तरह के वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। और उसके बाद बनाने के बाद आपको यहाँ पे शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको HD में एक्सपोर्ट कर लेना है, और इसको अपने TikTok ID पे अपलोड कर देना है।